दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनवाज हसन बोल रहा हूँ। दोस्तों मैंने देखा कि लखनऊ का कोई कुत्ता वसीम रिजवी नाम का है, रिजवी नहीं है ये रिजवी है, ठीक है। तो ये कुत्ता जो है हमारी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा के बारे में बहुत गलत फहश एक वीडियो मैंने देखा है, इस हरामी ने उसको जारी किया है। मैं वसीम रिजवी को कहूँगा, तू अगर असली बाप की औलाद है, तू है भी नहीं असली बाप की औलाद, तू हरामी है, तेरी माँ ज़रूर किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ पैदा करके तुझको पैदा की है। यही वजह है कि तू अपना नाम तो मुसलमान रखा है लेकिन तू है बहुत बड़ा हरामी। कसम खुदा की, तू कहाँ जाता है, क्या करता है मुझे पता नहीं है। तू अगर माँ, जो मोमिनों की माँ, माँ के बारे में, माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में तूने ऐसा किया है, मुझे तो ये भी पता है कि शायद तू अपनी माँ के बारे में भी वीडियो बना सकता है, अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में। तो तू कुत्ता, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाई है, तू कलकत्ता किसी भी शहर में तू आ जा, फिर तुझे औकात बता देंगे कि हम लोग क्या चीज़ है। हम लोग वो मुसलमान हैं कि अपनी कौम के लिए और शरीयत के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। वसीम रिजवी, तुझे मैं चैलेंज करता हूँ, तू अगर असली बाप की औलाद है तो कोलकाता आना, कसम खुदा की तू किसी भी सभा में आएगा तो फिर तुझको हम लोग देख कर छोड़ेंगे। वसीम रिजवी सुधर जा। और मैं अपने कौम के लोगों से कहूँगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगा कि किसी के कौम पर कोई कुछ भी कहता है तो उसको फांसी दी जाए ना। हम किसी को छेड़ते हैं, हमारी कौम को कोई अगर छेड़ेगा हम छोड़ेंगे भी नहीं। दोस्तों अभी भी सब एक हो जाओ, इस वसीम रिजवी को इतना मार मारो और इसके नाम पे इतने केसेस दो कि ये कहीं ना जा पाए। इस हरामी को इतना मार मारो कि दोबारा कभी किसी के नाम पे इस तरह ना करे। मैं शहनवाज हसन बोल रहा हूँ, बंगाल का शहनवाज हसन। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई।